एक बार गौतम बुद्ध जंगल में बैठ के अकेले आराम कर रहे थे, तो उसी वक्त एक महिला आती है चिल्लाते हुए, गुस्से में और रोती हुई। कहती है गौतम बुद्ध से कि आप तो बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं ना, मैंने सुना आप बहुत कुछ करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो लाइए मेरा बेटा वापस कर दीजिए जिसकी मौत सुबह हो चुकी है, लाइए मेरा बेटा वापस कर दीजिए जिसकी मौत सुबह हो चुकी है। तो गौतम बुद्ध बड़े ही शांति से उन्हें सुन रहे होते हैं, वो बहुत गुस्से में होती है महिला, तो जैसे ही वो थोड़ा सा चुप होती है, गौतम बुद्ध बड़े ही शांति से कहते हैं, हाँ मैं तुम्हारा बेटा तुम्हें लौटा सकता हूँ, पर उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा, और वो काम ये है कि तुम्हें एक मुट्ठी गेहूं लाना पड़ेगा और मुझे लाके देना होगा, पर गेहूं उस घर का होना चाहिए जिस घर में कभी कोई मौत ना हुई हो। बस इतना ही सुनते वो महिला दौड़ पड़ती है और भागती हुई जाती है, बिलखती हुई घर घर जाती है, पूरा गाँव ढूंढ मारती है, पूरा दिन भागती है इधर से उधर, पर अंत में क्या हासिल होता है, कोई भी एक ऐसा घर नहीं मिलता जहाँ किसी की मौत ना हुई हो। और ये देखते ही महिला बहुत चौंक जाती है और खाली हाथ अंत में वापस आते गौतम बुद्ध के पास और कहती है कि मुझे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ कोई मौत ना हुई हो, तो मैं गेहूँ ना ला पाई। और बस उसी वक्त गौतम बुद्ध महिला से कहते हैं कि यही मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था कि ऐसा कोई घर, ऐसा कोई इंसान इस दुनिया में नहीं है जिसने ये दुख ना देखा हो, जो इस दुख से ना गुजरा हो, और जो नहीं गुजरा है वो ज़रूर गुजरेगा। ये एक ऐसा दुख है या दुख की घड़ी ऐसी होती है जो हर इंसान को झेलनी ही पड़ती है, ये एक ज़िंदगी का हिस्सा होता है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है जो हर किसी के साथ होता है, और ऐसा दुख और इस तरह के कई दुख ऐसे होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में आते हैं, चाहे वो इंसान अमीर हो चाहे वो इंसान गरीब हो, कई दुख ऐसे हैं जो हर इंसान को झेलने पड़ते हैं। तो इसीलिए इस परिस्थिति में निराश मत हो, अपने आप को ज़्यादा दुखी मत करके अपने आप को मत तोड़ो, अपने आप को हिम्मतवान रखो और हिम्मत से काम लो। ये एक ऐसा वक्त है, ये तो चला जाएगा, लेकिन तुम्हारी हिम्मत अगर टूट गई तो तुम आगे अपनी ज़िंदगी अच्छे से नहीं जी पाओगे। तो ये हिम्मत देते हुए उन्होंने उसको समझाया, और गौतम बुद्ध ने समझाते उस महिला को बहुत अच्छी शिक्षा दी कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, हर परिस्थिति का सामना खुशी से करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सूरज आज एक फिर नई वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल सूरज कश्यप पे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे खुश रहा जाए और हर परिस्थितियों का सामना कैसे किया जाए, हाउ टू बिकम हैप्पी। हम इस वीडियो को 5 पॉइंट्स में कवर करेंगे। तो पहला पॉइंट है लेस सेल्फ इन्वॉल्वमेंट, अपना इन्वॉल्वमेंट खुद से कम रखिए। जैसे कि हम कई बातें ऐसे करते हैं जिसमें हम मैं मतलब हम अपनी ही बातें खुद से ज़्यादा करते हैं, अपना ही दुख सोचते हैं, अपने ही बारे में ज़्यादा सोचते हैं, मतलब हम कहीं ना कहीं मतलबी हो जाते हैं, तो वो हमारा एक दुख का कारण होता है। जैसे कि कई बार हम कहते हैं मेरी सैलरी इतनी कम क्यों है, मैं इतना पतला क्यों हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं इतना दुखी क्यों हूँ, मैं पढ़ाई में कमजोर, मतलब इस तरह के कई सारे ऐसे दुख हैं जो हम सिर्फ अपने अपने बारे में सोचते रहते हैं, ये हमारा दुख का सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि हम आई पे रहते हैं, हमें वी पे शिफ्ट होना है, अस पे शिफ्ट होना है, यू पे शिफ्ट होना है, सिर्फ आई पे नहीं रहना, मतलब हमें खुद पे नहीं रहना, तुम पे जाना है, आप पे जाना है, हम पे जाना है। जब हम अपने दुख को दूसरों से शेयर करते हैं और दूसरों के दुख को सुनते हैं, तब हमें एक्चुअल कंडीशन का पता चलता है कि हम एक्चुअल में हैं कहाँ और हमारा दुख कितना बड़ा है, ये दुख या ये प्रॉब्लम दुखी होने लायक है भी कि नहीं, दूसरों के दुख हमसे ज़्यादा बड़े हो सकते हैं। तो कोशिश ये करिए कि हम अपने आप को दूसरों के साथ एंगेज करें। आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, मनी से कर सकते हैं, एडवाइस दे के कर सकते हैं, कोई सॉल्यूशन दे के कर सकते हैं, साथ बैठ के साथ उनसे बात करके उनको आप कंपनी दे सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में मैं इतना दुखी नहीं हूँ जितना मैं सोच रहा था। तो कोशिश करिए आई को अपने आप से यू पे शिफ्ट करने की, दूसरों के साथ एंगेज रहिए, अपने बारे में ओवर थिंकिंग मत करिए। कभी कभी सोचना अच्छा होता है पर ज़्यादा सोचना बहुत गलत होता है, इसलिए लेस सेल्फ इन्वॉल्वमेंट, अपने आप के साथ अपनी इन्वॉल्वमेंट कम रखिए, दूसरों के साथ घुलिए मिलिए, दूसरों के साथ बातचीत करिए, तो ये एक खुश रहने का या अपने आप को दुखी ना होने देने का अच्छा पॉइंट हो सकता है। दूसरा पॉइंट है लाइफ इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट, मतलब हमारी लाइफ, हमारी ज़िंदगी परेशानियों के साथ चलती रहेंगी, वो हमेशा चलती रहेंगी, परेशानियाँ हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, वो आनी ही आनी है, ये तो तय है। तो जब अब हमें पहले से पता है कि हमारे साथ परेशानियाँ आएंगी, कई दुख आएंगे जो एक ज़िंदगी का हिस्सा वो होने ही होने हैं, वो दुख आएगा ही आएगा, या लाइफ की कुछ ऐसी फेलियर्स होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में कभी आ जाते हैं, तो हम उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें पहले से पता होना चाहिए कि कुछ दुख के लिए हमें हमेशा तैयार रहना है, तो जब हम तैयार रहेंगे तो हम ज़्यादा दुखी नहीं होंगे। तो सबसे फर्स्ट हमें ये एक्सेप्टेंस रखनी है कि डिफ़िकल्टीज आती हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, दुख आते हैं, बट उन्हें हमें कैसे सॉल्व करना है ये भी हमें जानना है।
अब मान लीजिए कुछ दुख आपकी वजह से आ जाते हैं, लाइक आप फेल हो जाते हैं किसी एग्जाम में, तो ये प्रॉब्लम आई आपकी वजह से, डोंट वरी, एक्सेप्टेंस रखो, इसमें ज़्यादा घबराने के, अपने आप को डीमोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, बट नेक्स्ट टाइम से ऐसा ना हो इसके लिए आपको सॉल्यूशन ढूंढना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है कि नेक्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम ना आए। इसी तरह से लाइफ में कोई नेचुरल प्रॉब्लम आ जाती है, कोई नेचुरल घटना हो जाती है, डोंट वरी, बट आप ये कोशिश रखें कि मेरी तरफ से, मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम ना आए, और अगर कोई प्रॉब्लम नेचुरली आती है या मेरी वजह से भी आ जाती है, डोंट वरी, एक्सेप्ट करना है, बट उसके वजह से अपने आप को लूज़र नहीं बनाना। ये एक अपॉर्चुनिटी होती है जहां आप अपने आप को और ट्रेंड कर पाते हो, और मेंटली स्ट्रांग कर पाते हो, फिजिकली स्ट्रांग कर पाते हो, कि नेक्स्ट टाइम से ये प्रॉब्लम नहीं आएगी और मैं इसका सॉल्यूशन कर पाऊंगा। तो प्रॉब्लम को फेस करें, उसका सॉल्यूशन ढूंढें, प्रॉब्लम को सॉल्व करें और नेक्स्ट स्टेप के लिए आगे बढ़ें। थर्ड पॉइंट है, लर्न टू बी हैप्पी। अब जब मैं ये बात कर रहा हूँ लर्न टू बी हैप्पी, इट मीन्स आपको खुश होना सीखना पड़ेगा। हमारा जो बेसिक नेचर होता है नेगेटिविटी के साथ लिंक है। अब वो कैसे लिंक है मैं आपको ये बताता हूँ। मान लीजिए किसी पार्टी में आप गए, वहाँ पे कुछ लोगों ने आपकी तारीफ करी, आप घर आए, आप बहुत खुश हुए, आपके लोगों ने तारीफ करी, वेरी गुड, आपने एक दिन तक उसे याद रखा, कुछ लोगों को दो दिन तक याद रहेगा, देन वो भूल जाएंगे। बट अगर सेम पार्टी में अगर किसी ने उनकी बुराई कर दी, वो बुराई कम से कम उन्हें महीनों भर याद रहने वाली है, और जिस वजह से वो खुद को परेशान करते हैं, डिप्रेस करते हैं, परेशान होते हैं, और अपने ही काम में अपना मन नहीं लगा पाते, जिस वजह से वो और परेशानियों का सामना करते हैं, वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं सिर्फ एक इस वजह से किसी ने उनकी बुराई कर दी। तो इसलिए हमारा जो बेसिक नेचर है वो नेगेटिविटी के साथ लिंक है। नेगेटिव चीज़ें हम जल्दी अब्जॉर्व कर लेते हैं, या आप बोलिए जल्दी कैच कर लेते हैं, तो जिस वजह से हम ज़्यादा परेशान होते हैं। बट हम यहाँ ये सीख रहे हैं कि हमें परेशान नहीं रहना है, हमें खुश रहना है। तो आपको ये याद रखना है कि आपको अच्छी बातें कितने लोगों ने कही। यदि आप मान लीजिए फेसबुक पे एक फोटो अपलोड करते हैं, वहाँ 10 लोगों ने आपको अच्छे कमेंट्स किए, बट 1% ऐसा था जिसने आपको नेगेटिव कमेंट किया, आप उस नेगेटिव कमेंट को लेकर ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि मुझे 10 लोगों ने अच्छे कमेंट भी किए। तो अपने आप के माइंड को ऐसा प्रिपेयर कर लीजिए कि मैं अच्छी चीज़ों को पकड़ूंगा, पॉजिटिवली बिहेव करूंगा। ये पॉजिटिवली बिहेव आप जब ही कर पाएंगे जब आप पॉजिटिव चीज़ें देखेंगे। तो आप धीरे धीरे ये कोशिश करिए किस तरह मैं अपने बेसिक नेचर जो कि नेगेटिविटी से लिंक है उसको धीरे धीरे पॉजिटिवली वे में कैसे शिफ्ट कर सकता हूँ। और जब पॉजिटिवली वे में शिफ्ट आप हो जाएंगे तो सीरियसली बता रहा हूँ मैं, आप पॉजिटिव ही सोचेंगे, और जब पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिवली ही एक्ट करेंगे, पॉजिटिवली ही एक्ट करेंगे, तो देन एवरीथिंग सराउंडिंग यू बिकम पॉजिटिव। तो हम बात करते हैं अब चौथे पॉइंट की, डोंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। अब ये पॉइंट क्या कहता है, ये पॉइंट ये कहता है कि जैसे मान लीजिए आप ये सोच रहे हैं कि मेरे रूम में कूलर है बट एसी नहीं है, मेरे दोस्त के पास एसी है, मेरी सैलरी 10,000 है, मेरे दोस्त की सैलरी 50,000 है, मींस आप अपनी कमी देख रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं अपने साथी के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और जिसकी वजह से आप डिप्रेस होते चले जाते हैं, जो कि एक्चुअल में आपका दुखी होने का कारण नहीं है, बट आप उसकी वजह से बेवजह दुखी हो रहे हैं। तो इससे हमें बचना है, चीज़ों को इतना सीरियसली मत लो। मैं हमेशा ये बात आपसे करता रहूँगा कि हमेशा आगे बढ़ने के लिए हमें सोचना है, नेक्स्ट स्टेप लेना है, बट डिप्रेस होके नहीं लेना, किसी से इंस्पायर होके लेना है। मेरे पास जो कुछ है बहुत है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास आज जो है बहुत है, बट मैं नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी हूँ और मैं बहुत हैप्पीली नेक्स्ट स्टेप के लिए काम कर रहा हूँ और मैं आगे बढ़ता रहूँगा। ये कमिटमेंट आपकी होनी चाहिए हमेशा। ऐसे नहीं लगना चाहिए कि आप दुखी हैं, लगना चाहिए आप बहुत खुश हैं, और बहुत खुश होने के लिए आप बहुत काम कर रहे हैं। तो आपके पास जो है उस पर पहले तो आप शुक्रगुजार रहिए कि आपके पास बहुत कुछ है। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं है, तो सबसे पहले जब आप ये सोच लेंगे कि मेरे पास है जो, वो बहुत अच्छा है, मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ, बट मैं आगे इसी तरह से बढ़ता रहूँगा, मैं अपने आप को नहीं रोकूँगा, तो इस तरह की कमिटमेंट आपको खुश रख सकता है और बेमतलब या बेवजह दुखी नहीं होने देगा। अब बात करते हैं पांचवे पॉइंट की। पांचवा पॉइंट है, ग्रेट थिंग्स विल कम विद पेशेंस एंड डिसिप्लिन। अब ये पॉइंट ये कहता है कि चीज़ें अच्छी भी होती हैं और बुरी भी होती हैं। अच्छी चीज़ें होंगी तो आपको अच्छा लगेगा, बुरी चीज़ें होंगी तो आपको बुरा लगेगा, बट हमें इतनी जल्दी डिसीज़न नहीं लेना चाहिए जितनी जल्दी हम ले लेते हैं। आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार एक इंसान ने एक लॉटरी में घोड़ा जीता, लोग बहुत उससे तारीफ करने लगे, तो बहुत खुशकिस्मत है, तो बहुत लकी है कि तेरे पास एक घोड़ा है, वो बहुत खुश रहता था। नेक्स्ट डे वो घोड़ा भाग जाता है।
अब वही लोग जो कल उसकी तारीफ कर रहे थे या खुशकिस्मत कह रहे थे, वही लोग आज कहते हैं तू तो बहुत बदकिस्मत है कि तेरे पास घोड़ा था वो चला गया। बट वो इंसान पेशेंस रखता है और लोगों की बात सुनता रहता है। नेक्स्ट डे वही घोड़ा जो खो गया था, वो घोड़ा एक और घोड़ा अपने साथ लेके वापस उसी मालिक के पास आ जाता है। अब लोग फिर उसे कहने लगते हैं तू तो बहुत खुशकिस्मत है, तेरे पास कल तक एक भी घोड़ा नहीं था, आज तेरे पास दो दो घोड़े हो गए। वो इंसान पेशेंस रखता है और लोगों की बात सुनता रहता है। नेक्स्ट डे जब वो हॉर्स राइडिंग कर रहा होता है, हॉर्स राइडिंग करते वक्त उसका एक पैर टूट जाता है। अब पैर टूट गया, लोगों ने उसे कहना शुरू कर दिया तो बहुत बदकिस्मत है, तो बहुत अनलकी है। बट वो इंसान हमेशा पेशेंस रखता है और लोगों की बातें सुनता रहता है। वही लोग उसे लकी कह रहे हैं, वही लोग उसे अनलकी कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। अब नेक्स्ट डे वहाँ के राजा, जिस गांव में वो रहता था, उसने ऐलान कर दिया कि जितने भी लोग हैं उन सबको फौज में भर्ती किया जाएगा, बट वही लोग भर्ती होंगे जो फिट हैं। अब जैसा कि आपको पता, उस इंसान का पैर टूट गया था, वो फौज में भर्ती नहीं हो सकता था। तो लोग उसे कहने लगे तू तो और अनलकी हो गया, कि सब लोगों की नौकरी हो रही है, सब लोग सरकारी नौकरी ले रहे हैं, सब लोग फौज में भर्ती हो रहे हैं, और तू इतना बदकिस्मत है, तू इतना अनलकी है कि तू अब फौज में भर्ती नहीं हो सकता और तू हम लोगों से पीछे रह जाएगा। वो इंसान फिर भी पेशेंस रखता है और लोगों की बातें सुनता रहता है। नेक्स्ट डे खबर आती है कि जितने लोग फौज में भर्ती हुए थे लड़ाई के दौरान उनकी मौत हो गई। अब वही लोगों ने ये कहने लगे कि तू तो बहुत खुशकिस्मत है यार, तू तो बहुत लकी है कि सब मर गए तू बच गया। तो ये सिचुएशंस लोगों के साथ आती है, लोग आपको कभी आपको अनलकी कहेंगे, कभी आपको लकी कहेंगे। इतनी जल्दी फैसला नहीं लेना है, जो कुछ लाइफ में हो रहा है उसको पहले आप शांति से समझिए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है और उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या डीप एनालिसिस करिए किसी भी चीज़ के ऊपर, और पेशेंस के साथ इस चीज़ को करिए। इतनी जल्दी कोई फैसला मत लीजिए कि मैं लकी हूँ अनलकी हूँ, लकी हूँ अनलकी, नहीं। आप पहले ध्यान से सोचिए एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो तुरंत फैसला नहीं लेना है, जब आप चीज़ों को डीप एनालिसिस करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आपके साथ अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है। तुरंत फैसला लेना हमें बेवजह दुखी करता है, इसलिए तुरंत फैसला मत लीजिए। लाइफ को जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करते हुए चलिए और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखिए कि मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। तो तुरंत फैसला नहीं लेना है, बिल्कुल पेशेंस के साथ रहना है, और कभी अच्छा होगा कभी बुरा होगा उसके लिए तैयार रहना है, मेंटली प्रिपेयर रहना है। और हमेशा ये याद रखना है कि जब भी हमारी लाइफ में कुछ हमारे साथ हो रहा है, ज़रूर उसके साथ कुछ ना कुछ अच्छा जुड़ा हुआ है, जो हमें अभी नहीं दिख रहा कुछ समय बाद दिखेगा। इसलिए पेशेंस के साथ उसका इंतज़ार करिए अच्छे वक्त का, और वो अच्छा वक्त आएगा। तो बेवजह दुखी नहीं होना है, हमेशा लाइफ में हैप्पी रहने की कोशिश करिए। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, आप इस वीडियो के बाद कोशिश करेंगे खुश रहने की, बेवजह दुखी नहीं होंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।